अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स समझने से पहले स्टूडेंट्स वन टू वन कॉरिस्पॉन्डेंस समझना ज़रूरी है तो वन टू वन कॉरिस्पॉन्डेंस समझते हैं यहाँ पे मैंने बोर्ड पे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई हैं ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ इन दॉरिस्पोंडेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉरिस्पोंड्स टू ट्राइंगल डी ई एफ मीन्स एंगल ए कॉरिस्पॉन्ड्स टू एंगल डी ये एंगल ए है और दूसरी ट्राइंगल में एंगल डी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसी तरह एंगल बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी और डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल ई e, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसी तरह एंगल सी कॉरिस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सी और डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल एफ कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हैं इसी तरीके से स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट ए बी ट्राइंगल ए बी सी में जो लाइन सेगमेंट ए बी है कॉरिस्पोंड्स टू लाइन सेगमेंट डी ई ट्राइंगल डी ई एफ में बी ई e के कॉरिस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट होगी लाइन सेगमेंट ए बी इसी तरीके से बी सी लाइन सेगमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइन सेगमेंट ई एफ ट्राइंगल ए बी सी में लाइन सेगमेंट बी सी कॉरेस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट ई एफ के इक्वल है और लास्ट लाइन सेगमेंट ए सी कॉरिस्पोंड्स टू लाइन सेगमेंट डी एफ अब स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस हमें समझ आ गई अब हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स समझेंगे जी स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स की डेफिनेशन समझते हैं टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटर्न सिंबोलिकली एज ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है इफ देयर exists अ correspondence बिटवीन them सच दैट All the corresponding sides and angles are congruent. That is, if line segment AB congruent to line segment DE, line segment BC congruent to line segment EF, line segment CA congruent to line segment DF, and एंगल ए इज कॉन्ग्रुवेंट टू एंगल डी एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुव टू एंगल ई एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुव टू एंगल एफ देन ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुव टू ट्राइंगल डी ई एफ स्टूडेंट्स ये मैंने जो लास्ट बोर्ड पे दो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं बिल्कुल इन्हीं ट्राइंगल्स को यूज़ करते हुए मैंने ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लिखी है अगर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ट्राएंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी जी स्टूडेंट। अब हम कुछ पॉस्टुलेट्स की डेफिनेशन समझेंगे इन पॉस्टूलेट्स की डेफिनेशन समझना जरूरी है ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जब थ्यूरम्स प्रूफ करें तो आपको थ्यूरम्स प्रूफ करने में आसानी होगी ये तमाम पोस्टुलेट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे ये उन थ्यूरम्स को प्रूफ करने में यूज़ होंगे सबसे पहले एस ए एस पोस्टुलेट समझते हैं इन एनी कॉरिस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू दरिस्पोंडिंग टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्राएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड एस ए एस पॉस्टुलेट उसके बाद एस 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 पॉस्टुलेट है यहां पे तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की कॉरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल के इक्वल होंगी तो एस 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 पॉस्टुलेट होगा इन एनी कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ़ टू कॉरिस्पोंडेंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रट टू कॉरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड एस 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 पॉस्टुलेट तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आप याद करेंगे अभी हम मजीद दो पॉस्टुलेट्स की डेफिनेशन समझेंगे जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट है ए एस ए पॉस्टूलेट इन एनी कॉरिस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट To the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. It is called ASA postulate. Last definition H S postulate in the correspondence of two right angled triangles. HS postulate ke liye students right angled triangles hona hai. The hypotenuse and

ट्राइंगल्स समझा वन टू वन कॉरिस्पॉन्डेंस समझी और पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन समझी इन तमाम डेफिनेशंस को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़